पुरुषार्थ किया होगा पूर्व जीवन में, इस पर विचार करना, और जिन्होंने वो चीज प्राप्त नहीं की है उन्होंने क्या किया होगा, दूसरे के विद्यमान अविद्यमान किसी भी प्रकार के दोषों को प्रकट नहीं करना। बताइए ऐसा हो पाता अपन से? अपन तो दूसरे के दोषों को ही देखने की प्रवृत्ति अपने भीतर निर्मित कर चुके हैं, ऐसी आदत पड़ गई है कि किसी पर भी दृष्टि जाती तो सबसे पहले उसमें जो खोट है, उसमें जो कमियां हैं वे दिखाई पड़ती हैं, उसमें क्या भलाई है क्या अच्छाई है ये दिखाई नहीं पड़ता। बताओ तो ऐसी दृष्टि लेकर के हम अपने जीवन को कहां ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? ये स्वयं विचार करना पड़ेगा और फिर इस आदत को बदलना पड़ेगा। हम लोग तो इस आदत को बदलने की जगह पर और तर्क और देते हैं। एक व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते से, सामने जो है दूसरा और थोड़े आगे जा रहा था, एक केले का छिलका पड़ा था उस पर, वो पैर पड़ा उसका, फिसल गया, गिर गया, गिर गया तो हंसना शुरू कर दिया जो पीछे था, सामान्य सी बात। कोई अगर फिसल करके गिर जाए तो दूसरे को मौका मिलता हंसने का, लेकिन वो ये भूल गया कि एक छिलका और पड़ा है वहीं पर, सो इनका भी उसी पर पैर पड़ा और ये भी गिरे। अब गिरे तो सब लोग हंस रहे, तो मालूम उन्होंने क्या टैग दिया कि अच्छा किया भगवान, जो मैंने पहले दूसरे के गिनने पर हंस दिया अब तुम्हें